जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल SP क्लासेस पर। अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियो को शेयर करें। आज हम सामान्य ज्ञान के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, दो स्थिर आवेशों के बीच लगने वाला बल उनकी मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, यह कथन किसका है? तो यह नियम किसका है? तो यह नियम कूलाम का नियम है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है? तो जो ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है? तो उनकी प्रकृति अनुदैर्ध्य होती है। अगला क्वेश्चन है, अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो अतिचालक का लक्षण क्या होता है? तो उच्च पारगम्यता होता है। अगला क्वेश्चन है, एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघटक कैसा होता है? तो कैसा? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है, एक विक्रम में पानी का बर्फ तैर रही है, जब बर्फ पूर्णता पिघल जाएगी तो बीकर में पानी का तल कितना रहेगा? तो बीकर में पानी का तल कितना रहेगा? तो उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य के निकट कौन सा ग्रह है? तो बुध ग्रह है, बुध ग्रह। अगला क्वेश्चन है, आयरस का क्या काम होता है? तो जो आयरस है उसका क्या कार्य होता है? तो उसका कार्य होता है आँखों में जाने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करना। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि का वेग लगभग कितना होता है? तो कितना होता है? तो 332 मीटर से। अगला क्वेश्चन है, परास्रव्य ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? तो जो परास्रव्य ध्वनि तरंगें होती हैं उनकी आवृत्ति कितनी होती है? तो 20,000 हर्ट्ज से अधिक। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह को मॉर्निंग स्टार के रूप में जाना जाता है? तो किस ग्रह को जाना जाता है? तो शुक्र ग्रह को जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, मृग तृष्णा उदाहरण किसका है? तो जो मृग तृष्णा है यह उदाहरण किसका है? तो है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है, ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह नियम किस अवधारणा की पुष्टि करता है? तो यह ऊर्जा संरक्षण नियम इस अवधारणा की पुष्टि करता है। विद्युत अपघटन संबंधी नियम किसने प्रतिपादित किए हैं? तो जो विद्युत अपघटन संबंधी नियम हैं यह किसने प्रतिपादित किए हैं? तो फैराडे ने इन नियम को प्रतिपादित किया है। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किसने किया? तो किसने किया? लेकवेन हॉक ने इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है, यंग प्रत्यास्थता का गुणांक का एसआई मात्रक कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? न्यूटन मी टू। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं? तो बृहस्पति के। अगला क्वेश्चन है, पोजीटॉन की खोज किसने की? तो किसने की थी? एंडरसन ने। पोजीटॉन की ट्रॉन की खोज किसने की थी? तो एंडरसन ने की थी। अगला क्वेश्चन, सूर्य ग्रहण कब होता है? बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आ जाता है तब सूर्य ग्रहण होता है। अगला क्वेश्चन है, अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? यहाँ अगस्त गलती से लिख गया है, यहाँ अस्त है। तो अस्त होते समय सूर्य लाल क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण दिखाई देता है। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य आर्द्रता से परेशानी महसूस करता है, इसका उपयुक्त कारण क्या है? तो इसका उपयुक्त कारण है पसीने का आर्द्रता के कारण वाष्पित नहीं होना। अगला क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और अनेक बार एग्जाम में यह क्वेश्चन आ चुका है कि जो न्यूट्रॉन है इसकी खोज किसने की थी? तो इसकी खोज चैडविक ने की थी। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? तो कितना होता है? 98°F होता है। अगला क्वेश्चन है, एक समान शुष्क सेल में विद्युत अपघटक कब होता है? तो एमोनियम क्लोराइड।
अगला क्वेश्चन है गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो कौन है, न्यूटन। अगला क्वेश्चन है त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है, तो यह किसके द्वारा लिया जाता है, यह चित्र तो फोटोग्राफी के द्वारा लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग हैं, तो जो प्रकाश तरंग है वह किस प्रकार की तरंग हैं, तो अनुप्रस्थ तरंग हैं। अगला क्वेश्चन है दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो गैलीलियो ने दूरबीन का आविष्कार किया है। अगला क्वेश्चन है रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो रडार है उसका उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो जहाज़ों वायुयानों आदि को ढूंढने एवं मार्ग निर्देशन करने के लिए रडार का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन किसी क्वथनांक से पूर्व उसके वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो क्या कहते हैं, वाष्पीकरण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है धूप के चश्मे की क्षमता कितनी होती है, तो जो धूप के चश्मे होते हैं तो उनकी क्षमता कितनी होती है, तो 0 डायोप्टर है, कितनी है, 0 डायोप्टर। अगला क्वेश्चन है कूलाम किसकी इकाई है, तो जो कूलाम है वह किसकी इकाई है, तो है विद्युत आवेश की इकाई है। अगला क्वेश्चन नाइट्रोजन से भरा रबड़ का गुब्बारा वायु में ऊपर जाकर फट जाता है, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वायु का दबाव घट जाता है। अगला क्वेश्चन है बल किसका गुणनफल होता है, तो जो बल है वह किसका गुणनफल होता है, तो है द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल होता है। अगला क्वेश्चन है दूरदृष्टि निवारण के लिए काम में क्या लाए जाते हैं, तो क्या लाए जाते हैं, तो उत्तल लेंस को लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है केल्विन मान से मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है, तो कितना होता है, तो 310 होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत हीटर का एलिमेंट किस धातु का बना होता है, तो जो विद्युत हीटर का एलिमेंट है वह किस धातु का बना होता है, तो वह नाइक्रोम का बना होता है। अगला क्वेश्चन है तैरने के नियम की खोज किसने की थी, तो जो तैरने का नियम है इसकी खोज किसने की थी, तो इसकी खोज आर्किमिडीज ने की थी। अगला क्वेश्चन है पहाड़ों पर पानी किस तापमान पर उबलने लगता है, तो जो पहाड़ों पर पानी रहता है वह किस तापमान पर उबलने लगता है, तो 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलने लगता है। अगला क्वेश्चन है आपसे हाथ अधिक जलता है अपेक्षाकृत उबलते हुए जल से क्यों, तो भाप में गुप्त ऊष्मा होती है। अगला क्वेश्चन है दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण को काम में लाया जाता है, तो जब दाढ़ी बनाते हैं तो किस दर्पण को काम में लिया जाता है, तो अवतल दर्पण को। अगला क्वेश्चन विभवांतर का मात्रक क्या है, तो विभवांतर का मात्रक वर्ल्ड है। अगला क्वेश्चन है जल की आयरन में क्या परिवर्तन होगा यदि 9 डिग्री सेल्सियस से गिराकर 3 डिग्री सेल्सियस कर दिया जाता है, तो आयतन पहले घटेगा और बाद में बढ़ेगा। अगला क्वेश्चन दो हल्के नाभिक मिलकर भारी नाभिक का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो इस प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, तो ऐसा इसलिए होता है दबाव अधिक होने से बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है आणविक संगठन के द्वारा ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो ऊष्मा का संप्रेषण क्या कहलाता है, तो संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन क्यों होता है, तो इसका उत्तर है, तो बर्फ में सड़क की अपेक्षा घूर्णन कम होता है, इसलिए सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना कठिन होता है। अगला क्वेश्चन है एम्पियर किसका मात्रक है, तो जो एम्पियर है वह किसका मात्रक है, तो यह विद्युत धारा का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो गैली ने नेपच्यून की खोज की थी। अगला क्वेश्चन आकाशीय पिंडों का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं,
तो क्या कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स, क्या कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति के चश्मे में कौन सा लेंस प्रयोग किया जाता है, तो अवतल लेंस प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कार्य का मात्रक जूल होता है। अगला क्वेश्चन है, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्र की गहराई को मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है, सोनार। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है, तो जो प्रकाश वर्ष है वह किसकी इकाई है, तो यह दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है, जड़त्व आधूर्ण का वह कोणीय त्वरण का गुणनफल होता है, तो क्या होता है, टार्क, क्या होता है, टार्क। अगला क्वेश्चन, परमाणु के नाभिक में क्या होता है, तो क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है। अगला क्वेश्चन, चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो जो चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, तो स्थितिज ऊर्जा होती है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय पदार्थ किन किरणों को करता है, तो किन किरणों को करता है, अल्फा किरणें, बीटा किरणें और गामा किरणें, इनको सक्रिय करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्प्लावकता से संबंधित वैज्ञानिक कौन है, तो कौन है, आर्किमिडीज। अगला क्वेश्चन है, टेलीविज़न का आविष्कार किसने किया था, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो J.L. Baird ने टेलीविज़न का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है, पास आती हुई रेलगाड़ी के सीटों की आवृत्ति या तीक्ष्णता बढ़ती जाती है, ऐसा किस परिघटना के कारण होता है, तो डॉपलर प्रभाव के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, लोलक घड़ियां गर्मियों में सुस्त क्यों हो जाती हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो लोलक की लंबाई बढ़ जाती है जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, वायु में ध्वनि की चाल 332 मीटर से होती है, यदि दाब बढ़ाकर दोगुना कर दिया जाए तो ध्वनि की चाल कितनी होगी, तो 332 मी से। अगला क्वेश्चन है, चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है, तो चंद्रग्रहण किस दिन घटित होता है, तो पूर्णिमा के दिन घटित होता है। प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी क्यों पक जाती हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दाम बढ़ जाने से क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पक जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, द्रव्यों में कौन सा ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है, तो कौन सा पारा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ विद्युत का सबसे अच्छा चालक है, तो कौन सा पदार्थ है, चांदी। अगला क्वेश्चन है, समुद्र में प्लवन करते आइसबर्ग का कितना भाग समुद्र की सतह से ऊपर रहता है, तो 1/10। अगला क्वेश्चन है, नाभिक का आकार कितना होता है, तो जो नाभिक है उसका आकार कितना होता है, तो 10^10 मीटर। अगला क्वेश्चन है, एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो कितना होता है, अनंत होता है, तो जो एक आदर्श वोल्टमीटर का प्रतिरोध होता है वह अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, शुष्क सेल क्या है, तो यह क्या है, तो यह प्राथमिक सेल है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन किस कारण होता है, तो किस कारण होता है, तो जो नाभिकीय संलयन के कारण सूर्य में ऊर्जा का निरंतर सृजन होता है। अगला क्वेश्चन है, किस लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कम या अधिक मालूम लगता है, तो जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर जा रही हो। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है, तो हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, शीतकाल में कपड़े हमें गर्म रहते हैं, ऐसा क्यों होता है क्योंकि कपड़े शरीर की ऊष्मा को बाहर जाने से रोकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई किस जगह पर है पर पानी 100 डिग्री सेल्सियस के नीचे के तापमान पर क्यों उबला है,
तो इसका उत्तर है क्योंकि वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है अतः उबलने का बिंदु नीचे आ जाता है। अगला क्वेश्चन है परमाणु बम का सिद्धांत किस पर आधारित है। तो जो परमाणु बम का सिद्धांत है वह किस पर आधारित है, तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। अगला क्वेश्चन है सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। तो किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है जो सोनार, तो वह नौ संचालकों द्वारा प्रयोग में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है नाभिकीय रिएक्टर में भारी जल का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो किस रूप में किया जाता है, मंदक रूप में किया जाता है। अगला क्वेश्चन अधातुएं विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं। तो जो अधातुएं हैं वह विद्युत की कुचालक क्यों होती हैं, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं। अगला क्वेश्चन है दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अब केंद्रीय बल लगता है। अगला क्वेश्चन है जब कोई वस्तु दो समांतर समतल दर्पणों के बीच रखी जाती है तो बनी हुई प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है अनंत। जो प्रतिबिंब बनते हैं उनकी संख्या अनंत होती है। अगला क्वेश्चन है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन बम को किसने विकसित किया। तो एडवर्ड टेलर ने हाइड्रोजन बम को विकसित किया। अगला क्वेश्चन है पारसेक किसकी इकाई है। तो जो पारसेक है वह किसकी इकाई है, तो है दूरी की इकाई है। अगला क्वेश्चन है एक स्वस्थ मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है। तो कितना होता है, 37 सेल्सियस। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर किस नियम के अनुसार कार्य करती है। तो जो विद्युत मोटर होती है वह किस नियम के अनुसार कार्य करती है, तो फैराडे के नियम के अनुसार कार्य करती है। अगला क्वेश्चन है प्रति चुंबकीय कौन है। तो जो प्रति चुंबकीय है वह कौन है, तो बिस्मथ है। कौन है, बिस्मथ। अगला क्वेश्चन बिजली के बल्ब का फिलामेंट किस तत्व से बना होता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अनेक बार एग्जाम में यह आ चुका है कि जो बिजली के बल्ब का फिलामेंट है वह किस तत्व से बना होता है, तो टंगस्टन से बना होता है। अगला क्वेश्चन है आकाश का रंग किसके कारण नीला प्रतीत होता है। तो प्रकीर्णन के कारण, किसके कारण, प्रकीर्णन के कारण नीला प्रतीत होता है आकाश का रंग। अगला क्वेश्चन है हाइड्रोजन परमाणु के न्यूक्लियस में प्रोटॉन की संख्या कितनी है। तो कितनी है, तो एक है प्रोटॉन की संख्या। अगला क्वेश्चन जब प्रकाश के लाल हरे और नीले रंगों को समान अनुपात में मिलाया जाता है तो परिणामी रंग कौन सा होगा। तो कौन सा होगा, सफ़ेद रंग होगा। अगला क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ द्वारा आकाशीय पिंड जेना 2003 U313 को नया नाम दिया गया है। तो क्या नाम दिया गया है, तो इरेस। क्या दिया गया है, इरेस। अगला क्वेश्चन है कॉस्मिक किरणों की खोज किसने की थी। तो जो कॉस्मिक किरणें हैं इसकी खोज किसने की थी, तो विक्टर हेस ने इनकी खोज की थी। तो चलिए आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके हमारी वीडियो को शेयर करें, और हमें कमेंट करके बताएं कि हमें आपका वीडियो कैसा लगा, और हम इसी तरह की वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ। जय हिंद।